हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी तक दो लेक्चर हो गए और फर्स्ट लेक्चर में मुझे याद है आपने पढ़ा है व्हाट इज फिजिक्स। चलो फटाफट करते हैं, व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर। हमारे नेचर में जैसे कि मैंने बोला, यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ मैटर, इट इज मेड अप ऑफ रेडिएशन। हम उसको स्टडी करते हैं, बराबर है। तो सबसे पहले मैंने बताया व्हाट इज फिजिक्स, फिर हमने डिस्कस किया व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, एनी क्वांटिटी व्हाट वी कैन मेजर, जो भी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, मास मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, स्पीड मेजर करते हैं, वेलोसिटी मेजर करते हैं, क्या क्या मेजर करते हैं, वो सारे फिजिकल क्वांटिटीज है। क्या है? सारे फिजिकल क्वांटिटीज। एनी क्वांटिटीज व्हाट वी कैन मेजर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और अब हम पढ़ेंगे कि क्या जरूरत है टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज द नीड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। ओके, पिक्चर देख के आपको समझ में आता रहेगा मेजरमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज के दुनिया में जहां पे कोविड जैसे सिचुएशन है, मेजरिंग टेम्परेचर वगैरह कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोचो अगर आपको आपका बॉडी टेम्परेचर मेजर ही करते नहीं आता, तो ट्रीटमेंट हैज बिकम सो डिफिकल्ट। मेजरमेंट क्यों जरूरी है? मुझे लगता है कि ये बोलना, मुझे लगता है ये सिखाना से ज्यादा आपको खुद ही समझ में आएगा, लुकिंग एट द फोटोज, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन अराउंड यू, कि कितना मेजरमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चों, कितना मेजरमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेली लाइफ में भी। डेली लाइफ में भी सपोज मुझे कपड़े सिलाने हैं, आई वॉन्ट टू स्टिच क्लोथ्स, और मैं फोन करके टेलर को बोलता हूँ, यार एक काम कर, मेरे कपड़े सिला, मैं आता हूँ लेने के लिए। कम ऑन, ही डोंट और शी डोंट नो योर साइज, कि क्या साइज के बनाने हैं। ऐसे फोन करके जाके कपड़े उठा के लेके थोड़े आएंगे, प्रॉपर मेजरमेंट देना पड़ेगा यार। मतलब पूरा कपड़े स्टिच कराने के लिए यू हैव टू गिव अ प्रॉपर मेजरमेंट, उसके बिना स्टिच नहीं होंगे। तो डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, राइट? अभी कोविड सिचुएशन में आपने ये भी तो सुना रहेगा कि ऑक्सीजन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीमीटर है जो अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करता है, करता है कि नहीं, कि भाई 90 से अगर कम हो जाएगा ऑक्सीजन लेवल तो आपको हॉस्पिटलाइज होना है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। सो ये सारी चीजें अभी हम डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। या पहले हम ऑक्सीमीटर यूज नहीं करते थे, पर अभी लोग करते हैं, हर एक के घर पे ऑक्सीमीटर है। सो यू अंडरस्टैंड डेली लाइफ में मेजरमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, छोटी छोटी चीजों से। मतलब आप मार्केट में जा रहे हो, आपको 1 kg शुगर चाहिए, तो यू नो व्हाट इज 1 kg, राइट? यू नो हाउ इट मेजर्स। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है बच्चों, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ एनर्जी, इज अ स्टडी ऑफ मैटर, बराबर है। अभी फिजिक्स में हम एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उसके अलग अलग फॉर्म में पढ़ते हैं, अलग अलग फॉर्म में। फिजिक्स और कुछ नहीं है, आप मैटर और एनर्जी को अलग अलग फॉर्म में पढ़ते हो, आप डेफिनेशंस बनाते हो, आप लॉज बनाते हो, आप थ्योरीज बनाते हो। इन सब में एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपके डेफिनेशन, आपके लॉज, आपके थ्योरीज, ये सारी चीजें बच्चों, ये सारी चीजों के लिए अपने को क्या चाहिए? मेजरमेंट करना बहुत। मेजर ही नहीं करोगे तो आप एक्सपेरिमेंटल में कैसे वेरीफाई करोगे? सिंपल सा बात है ना, अगर आप मेजर ही नहीं करोगे तो हाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंटली। चलो एक लॉ समझते हैं, आपने आपने पढ़ा रहेगा 10th स्टैंडर्ड में, ओम्स लॉ पढ़ा है कि नहीं? तो ओम्स लॉ पढ़ा है। अभी मुझे बताओ, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने को ही नहीं आया, मुझे करंट मेजर करने को ही नहीं आया, क्या ये लॉ वेरीफाई हो पाएगा एक्सपेरिमेंटली? नहीं। तो आपने थ्योरेटिकली कुछ लिखा है, पर वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कैसे करोगे? बात समझ में आ रहा है? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स। वाटर साइकिल थियोरीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ऑब्जर्व करके वाटर साइकिल को देख रहे हो कि हाँ भाई इवेपोरेशन हो रहा है, मस्त क्लाउड बिल्ड बन रहा है, एवरीथिंग, बट इट हैज टू बी अ प्रॉपर मेजर्ड, कि हमें पता होना चाहिए कि मतलब एवरीथिंग इज प्रॉपरली ऑब्जर्व एंड देन इट इज रिटन एंड देन इट इज मेजर्ड। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करने के लिए मेजरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल माय डियर स्टूडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्यों नीड, अपन क्या पढ़ रहे हैं कि भाई मेजरमेंट की क्या जरूरत है, नीड फॉर मेजरमेंट, तो मैं बोलूंगा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए। कि कोई भी थ्योरीज, कोई भी लॉ
तभी बनेगा जब आप उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करोगे. सो फॉर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मेजरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेजर कर ही नहीं पाओगे, अगर आप एक्सपेरिमेंटल में वेरीफाई कर ही नहीं पाओगे, तब तक वो थ्योरी लॉ नहीं बनेगी. ये बात याद रखना. तो कोई भी परफेक्ट लॉ बनाने के लिए, थ्योरी बनाने के लिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है. ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रहा है? देन नॉट ओनली दिस, जैसे कि लॉर्ड केल्विन ने कहा है, यू नो लॉर्ड केल्विन, ओके, अभी फोटो नहीं देखा तो देख लो, ये लॉर्ड केल्विन है. लॉर्ड केल्विन ने कहा है, इफ यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट इंप्रूव. दैट्स अ फैक्ट. अगर आप मेजर नहीं करोगे तो आप इंप्रूव नहीं करोगे. अपने लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कि मैं कितना पढ़ रहा हूं, अगर मैं उसको ठीक से एनालाइज नहीं करूंगा, मेजर नहीं करूंगा, मैं एग्जाम में स्कोर नहीं करूंगा, मैं इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा. जो स्टार्टिंग में थ्योरीज बने थे, लॉज बने थे, वो फिक्स नहीं है, वो बाद में बदल दिए गए, चेंज होते गए. जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आए, लोग मेजर करना सीखे, एक्यूरेसी ला रहे, ठीक है, तो बहुत सारे लॉज और बहुत सारे थ्योरीज चेंज हो गए. तो इधर मेजरमेंट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट के लिए, है ना, साइंटिफिक प्रोग्रेस जो है वो इम्प्रूव होने के लिए मेजरमेंट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल. आई होप यू गॉट इट व्हाई देयर इज अ नीड फॉर मेजरमेंट. मेजरमेंट क्यों जरूरी है समझा? सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई करना बहुत जरूरी है, तो लॉ परफेक्ट एक्यूरेट बनेगा. और दूसरा, इंप्रूवमेंट करने के लिए भी बहुत जरूरी है. तब तक आप इंप्रूव नहीं करोगे, तब तक आप एक्यूरेटली मेजर नहीं करोगे साइंस के प्रोग्रेस को. ठीक है बच्चों, सो आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. नीचे मैंने नोट्स दिए, नोट्स को अच्छे से पढ़ो, एग्जाम में क्या आंसर लिखना है आपको मालूम होना चाहिए. थैंक यू वेरी मच.